Hey, morning. So finally a vlog after so many days because actually I have been busy and आज पहली बार मैं गाड़ी में तेल भरूंगा only 2000 रुपए. मतलब since last 8 या 9 years आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मैं जब भी मतलब पेट्रोल पंप जाता हूँ बोलता हूँ कि फुल फुल, क्योंकि मेरे को लगता है कि टाइम सेव करना ही सबसे बेस्ट है, क्योंकि एनी वेज आप ही खुद भरोगे और कोई तो आपके लिए तेल नहीं भरने वाले. तो आज पहली बार आई एम ओनली गोइंग टू फिल इट फॉर 2000 रुपीज इंस्टेड ऑफ द फुल टैंक विच इज लाइक 10 या 11000 रुपीज. Let's see, you can tell the reason why I am filling only 2000 rupees today. So it seems like most of my tech stuff, जो कि मेरा home office में था, वो छोटा मोटा सामान almost it's getting sold, almost सब कुछ चला गया, only मेरा CPU वाला बचा है and maybe एक is the DJI Mavic 2 drone, वो भी maybe चला जाएगा आज या कल तक. CPU वाला बाकी बचा हुआ है. CPU what you can do is since it's very expensive, it's very hard to get the customers, क्योंकि जो लोग रहते हैं उनको या तो if someone is very serious about video editing, all those stuff, 3D work, then उनके लिए वो काम चलेगा. नहीं तो or else if someone is doing mining, अगर crypto mining भी लेके करते हो मेरा वाला CPU, यू कैन इजिली अर्न समवेयर अराउंड 30 to 40,000 पर मंथ इजिली हो सकता है. तो CPU मतलब टोटल किट आई एम सेलिंग इट फॉर 3.5 lakhs. अगर आप पूरा ले भी लेते हो 30,000 इज वेरी इजी टू मेक फ्रॉम क्रिप्टो माइनिंग ऑफकोर्स. बाकी मैं खुद करता नहीं, बाकी दैट इज वॉट ए लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स टू. अभी ये सारा जो सामान ये सब कुछ पैक करना पड़ेगा. एक नया वाला मैकबुक प्रो भी है. मैकबुक प्रो नहीं, दिस इज मैकबुक एयर आई गेस. हाँ, ये वाला भी एक है. ये वाला ऑफिस में हम लोग ये सामान खरीद के रखें, बट हमें याद भी नहीं रहता क्या क्या है. ये वाला है, दिस वन आई हैड बॉट इट फॉर माई वाइफ आई गेस लास्ट ईयर. अभी तक वैसे ही पूरा ब्रांड न्यू पड़ा हुआ है. तो ये वाला खाली कवर हो रहा है, कल मैं इसको आपके डिटेल्स दिखाऊंगा. अभी ये सब जाएगा, ये मेरा मेन वाला हेलमेट जाएगा, ये भी जाएगा, उसके बाद जाके ये GoPro चले जाएगा, DJI का पॉकेट निकलेगा, पॉकेट का कवर है, कैमरा सैमसंग का कैमरा, उसके बाद ये जो अपना ब्लूटूथ वाला गूगल का VR डे ड्रीम सेट, ये पूरा अपना इंस्टा 360 किट दैट इज ऑल्सो सोल्ड, ये पूरा GoPro का किट, GoPro का 7 लैपटॉप, ये फिर बहुत से ये सारे को अभी ऑल द स्टफ माय टीम इज गोइंग टू पैक इट एंड शिप इट टू द गाइस हु हैव ऑलरेडी पेड इट. अभी काफ़ी सारे लोगों को तो हमारा आधा दिन कल निकल गया रिफंड में. एक एक सामान का 4-5 बंदे ऑर्डर किए थे, जो सबसे पहला दिया था उसी को वी आर शिपिंग इट, और जितने बंदे जिन्होंने दे हैव ऑलरेडी पेड इट उन सबको हमें रिफंड करना पड़ा. कल पूरा डे टीम का रिफंड में ही चले गया, आज पूरा डे अभी उनका निकल जाएगा ये पैकिंग में. इंटरसेप्टर भी क्या इंटरसेप्ट करेगा, सब तो अलग अलग रोड पे जा रहे हैं, इंटरसेप्टर क्या इंटरसेप्ट करेगा. कितना बार हॉर्न मारो देखो, एंड जस्ट लुक एट द व्यू, कितना मेरे को एग्जैक्टली, एंड आई एम होल्डिंग द कैमरा राइट नियर माई आईज राइट नाउ. आप देख सकते हो कि मेरे को क्या व्यू आ रहा है एग्जैक्टली, पूरा क्लियरली इस तरफ भी दिखता है उस तरफ भी दिखता है, पूरा एंड टू एंड आई कैन सी एवरीथिंग. सो दिस इज व्हाट द व्यू यू गेट व्हाइल यू आर ड्राइविंग अ जी वैगन. जी देखो 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 देखो, साइड से एक निकल गया रॉन्ग साइड से, अरे ऐसे हरामखोर लोग हैं. सो दिस इज हाउ द POV ड्राइव एंगल इज फॉर द जी वैगन. तो क्या बोलते हो, POV ड्राइव वाला वीडियो आना चाहिए पूरा डिटेल्स में. वो दिन में करेंगे या रात में करेंगे वो बताओ. दिन में अगर करेंगे तो पूरा रास्ते भर गाली ही सुनना पड़ेगा आपको, पूरा मतलब वो पूरा मतलब नॉनवेज वाला वीडियो बन जाएगा. और रात में करेंगे तो एम्बियंस लाइट के साथ मस्त एक्चुअली दिखेगा. सो लेट मी नो इन द कमेंट्स क्या बोलते हो. सो अपना POV राइड वाला व्लॉग दिन में करें या रात में करें, एंड दिस इज व्हाट द एंगल यू आर गोइंग टू गेट इन दैट व्लॉग, दिस इज व्हाट द एंगल इज, लेट मी नो इन द कमेंट्स. हे मॉर्निंग भाई लोग, आई जस्ट रीच ऑफिस, टाइम इज राइट नाउ 10:45 AM. ऑफिस में मेरे को बहुत सारा सामान लेके फिर अभी और एक ऑफिस जाना पड़ेगा, बिकॉज माई टाइम टीम हैज़ टू पैक ऑल दो स्टफ एंड शिप इट टू आवर कस्टमर्स. काफ़ी सारे चीज ऑलरेडी सोल्ड आउट. मैं सोच रहा हूँ एक लाइव वाला एक्सेल ही बनाऊँ, क्योंकि काफ़ी लोग पूछ रहे हैं, ईमेल कर रहे हैं, फिर मेरे ऑफिस वाले जो टू मेरे को पूछते हैं कि सर ये है या नहीं, वो चले गया कि कितना पैसा. सो इंस्टेड ऑफ ऑल दिस बैक एंड फोर्थ कि आप टीम को ईमेल करो, वो रिप्लाई करेंगे, वो मेरे को पूछेंगे, पैसा देंगे, पैसा रिफंड होगा, इतना लंबा प्रोसेस है, एक लाइव वाला गूगल शीट बना देता हूँ, उसका लिंक भी मैं नीचे डाल देता हूँ. यू कैन एक्चुअली सी कि एग्जैक्टली व्हाट ऑल आई एम सेलिंग, कितना कितना पैसा है, जिसको चाहिए कौन सा ओपन है, कौन सा सोल्ड आउट है, आपको पूरा डिटेल्स में दिखेगा. एंड जिसको भी चाहिए यू कैन जस्ट गो एंड ईमेल टू आवर टीम एंड गेट इट शिप टू यू. पूरा सिंपल है प्रोसेस, उसके गूगल शीट मैच बनाने वाला हूँ. एंड कल वाले वीडियो में किसी ने कहा था कि भाई मेरे को तो लगा आप एम्बियंट लाइट्स के बारे में हमें समझाओगे, बाकी एम्बियंट लाइट्स के बारे में आपने समझाया ही नहीं. सो एम्बियंट लाइट्स का इसका जो मस्त वाला फीचर है, मोस्ट पीपल एक्चुअली, मैंने भी जब जीवन
G-Wagon खरीदा था, वन ऑफ द मेन रीजन ऑफ गेटिंग G-Wagon वॉज द एम्बियंट लाइट्स। अगर आप कभी भी G-Wagon के अंदर में रात में बैठ जाओगे, अंदर पूरा मतलब खतरनाक वाला माहौल होकर रहता है, मतलब हर जगह से लाइट निकलता रहता है। मैं जिस दिन G-Wagon का पूरा डिटेल वाला रिव्यू बनाऊंगा, और डिटेल वाला रिव्यू इज ऑल्सो पेंडिंग, सो वॉट आई एम प्लानिंग इज एक मस्त वाला पूरा लंबा वाला रिव्यू वाला वीडियो बनाएंगे कि हाउ G-Wagon मतलब वर्क्स इन इंडियन रोड्स। उसका तो वीडियो आज मैं बता दूंगा डेली ड्राइविंग के लिए G-Wagon है या नहीं, कैसे क्या फीचर्स है, बाकी कैसे क्या फीचर्स है, क्या फीचर्स कैसे काम करता है, क्या कैसे है, बैक्स में स्पेस कैसा है, चलाने के लिए कैसा लगता है, POV कैसा रहता है, व्यू कैसा रहता है, ऑल दोज थिंग्स आई एम गोइंग टू मेक ए डिटेल रिव्यू ऑफ G-Wagon वेरी सून। मस्त वाला रिव्यू बनेगा, उसमें सारा डिटेल्स आपको मिल जाएगा। एंड कुछ लोग ये भी पूछ रहे थे कि भाई व्हाई डोंट यू टेक द G-Wagon विद यू, व्हाई डू यू इवन बाय इट। मैं और एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन why I got it and why I'm selling it this soon. So why I'm selling the G-Wagon, uska mast wala details wala video aayega. But problem is Indian government doesn't allow you to export the cars to other countries. Abhi main apna ye car ko chahne se bhi, but because I am someone who needs this car, even it's India or whatever the countries, mere ko yahi wala car chahiye. But again matlab Indian government doesn't allow you to export the cars. अभी मैं अपना ये खुद का कार और एक कंट्री को इसको मूव नहीं कर सकता। अगर बाहर की कंट्री से लाना होगा तो आप एक साल के लिए ला सकते हो कारनेट करके, बट इंडिया से आप कार लेके बाहर नहीं जा सकते, उसका एक टाइम लिमिट रहता है, उसमें बहुत सारा पेपर वर्क रहता है, उतना टाइम किसी के पास नहीं है, एंड यू विल एंड अप स्पेंडिंग मोर देन योर लोन EMI। सो ये सब बकवास वाले सिस्टम में नहीं घुस के बेस्ट इज टू सेल द कार, एंड वेन एवर यू आर मूविंग टू सम अदर कंट्री गो अहेड एंड बाय अ न्यू कार। और G-Wagon का आई ऑलवेज वॉन्टेड टू हैव ए G-Wagon, तो हो गया अपना 4 महीना हो गया। आई एक्चुअली वॉन्टेड टू कीप इट फॉर मोर लॉन्ग रीजन्स वाला वीडियो आपको जल्दी आएगा। आज वाला वीडियो में आई एम नॉट गोइंग टू मिक्स इट, आज वाला वीडियो में आई एम गोइंग टू ओनली एक्सप्लेन यू कि इज G-Wagon ए गुड डेली ड्राइवर, डेली ड्राइविंग अगर आपको G-Wagon करना है तो क्या क्या चीज़ आपको दिमाग में रखना चाहिए, ऑल दोज डिटेल्स वी आर गोइंग टू डिस्कस। पर पहले मैं ऑफिस से जाके सामान लेके आता हूँ, उसके बाद जाके ऑफिस में देने के बाद वी आर गोइंग टू डिस्कस। दिस इज ऑफिस, अभी ऑफिस पहुँचते ही मेरे को और दो सामान मस्त वाला मेरे को दिखा है, ये जो अपना टच सेंसर लैंप्स, ये मैं US से लाया था कितना 3 या 4 साल पहले, क्या जबरदस्त काम करता है ऑफिस में। दिस इज ऑल्सो गेटिंग सोल्ड टूडे, एंड AGV का हेलमेट ऑलरेडी चले गए, उसको लेकर पैक करना है। थैंकफुली आई हैव द कवर। सो DJI Mavic 2 Pro का भी बहुत सारा मैसेज है, इसको मैं खोल के आपको आराम से कल वाला वीडियो में अगर होता है पूरा खोल के आपको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा कि भाई ड्रोन में एग्जैक्टली क्या क्या सामान आता है एंड क्या क्या आपको मिलता है, बिकॉज इट्स एन एक्सपेंसिव ड्रोन एंड यू नीड टू नो हाउ इट हैपन्स। एंड दिस वन इज लिविंग टूडे, सो दिस वन इज द सोनी A6500 विद द ZEISS 35mm लेंस। अभी इसके लिए बहुत मतलब मारपीट, मतलब 3-4 लोग ऑलरेडी फाइनल किए हुए थे, 1 डॉक्टर अंकल हैड ऑलरेडी पेड, अभी उनको रिफंड करना पड़ा बिकॉज इसके नीचे जब मैं ट्राईपॉड लगा रहा था एक छोटा वाला दाग है, तो मेरे को लगा इट डजेंट मेक सेंस एक्चुअली गिविंग इट टू ए कस्टमर, सो मेरे को लगा कि उनको मैंने आई हैव जस्ट टोल्ड माई टीम टू गो एड एंड रिफंड हिम। अभी ये वाला चीज़ वन ऑफ माई सिस्टर इज गोइंग टू टेक इट, सो ये वाला जाएगा। एंड इसका जो ऑरिजिनल वाला कवर तो ही मेरे को नहीं मिल रहा है, इसको सोनी का 16mm का लेंस के साथ ही मस्त से पैक करके दे देंगे। सो कैमरा इज गॉन, ये वाला लाइट्स जाएगा, एंड और दो मस्त वाला IKEA का लाइट्स था वो मैं आपको दिखाता हूँ। दिस वन, अभी ये दो IKEA के लाइट्स आई हैड गॉट इट व्हेन IKEA वाज नॉट इवन इन इंडिया। यहाँ पे आप अगर फिलिप्स यू लगाते हो ये पूरा मस्त काम करता है, दिस इज हाउ इट लुक्स। ये वाला मेरे पास दो है, यहाँ भी एक है और यहाँ भी एक है, ये दो भी इज अप फॉर सेल। एंड मेरा जो मेन हथियार, माई मेन टूल बॉक्स इज ऑल्सो गेटिंग सोल्ड, अभी ये वाला बिकॉज आई कैनॉट कैरी इट्स जस्ट टू हैवी, ये वाला पूरा भी अभी जाएगा। दिस वन इज गोइंग फॉर आई गेस 15,000 एंड शिपिंग में भी 2,000 का इसको शिपिंग ही लग जाएगा, बहुत ही ज़्यादा वेट है। एंड ये था मेरा पहला वाला अपना कैमरा का गिम्बल, ज़ून का फर्स्ट वाला प्रोडक्ट, सो लेट मी जस्ट शो इट टू यू। अभी भी वैसे ही ब्रांड न्यू ही पड़ा हुआ है, मे बी आई ओनली यूज इट फॉर 3 or 4 times ऑल्सो लेटिंग इट गो। अभी ये सब मैं अपना मेमोरीज के लिए रखा था, बट यहाँ भी स्पेस मतलब बेकार का फुल करके कोई फायदा नहीं है, सो आई एम गोइंग टू सेल दिस एज वेल फॉर ओनली 10,000 rupees। सो अगर इफ समवन इज गेटिंग स्टार्टेड विद द कैमराज गिम्बल, आई डोंट वॉन्ट टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन ऑल दोस मतलब एक्सपेंसिव क्रेजी एक्सपेंसिव गिम्बल, देन दिस इज गोइंग टू बी ए गुड स्टार्ट। बहुत ही मस्त वाला गिम्बल है, बाकी थोड़ा पुराना है, मतलब 3 या 4 साल तक पुराना है, बट स्टिल वर्क्स बिकॉज इट्स ऑलमोस्ट लाइक ब्रांड, मे बी 2 या 3 बार ही भी यूज़ किया हुआ। यहाँ भी बहुत मेरे को सामान दिख रहा है, क्योंकि आज वाले वीडियो में आई एम नॉट गोइंग टू गेट टाइम टू शो यू गाइज, मे बी और कुछ दिन दिखाएंगे, फॉर नाउ आई नीड टू लीव फॉर ऑफिस। और ये मेरा ह्यूज पूरा बड़ा वाला प्रोजेक्टर का स्क्रीन, एंड दिस अपना 1080p अपना एप्सॉन वाला ये वाला प्रोजेक्टर, दिस इज ऑल्सो ऑफ फॉर सेल। प्रोजेक्टर मे बी आई एम लेटिंग इट गो फॉर समवेयर अराउंड ओनली 70,000 rupees, स्क्रीन मे बी आई विल गिव इट फॉर
चलो 15,000 रुपीज में आई एम गोइंग टू गिव द स्क्रीन एंड ये प्रोजेक्टर एंड स्क्रीन बोथ ऑफ देम आर गोइंग फॉर ओनली 1 लाख रुपीज. तो ये प्रोजेक्टर में एक बार अगर आप मूवीज या एक्सपीरियंस हो गया उसके बाद यू कैनॉट गेट बैक टू दैट. यू यूज टू लव वॉचिंग मूवीज हियर इन द स्टूडियो बाकी उसके बाद कभी टाइम नहीं. 2017 में आई वॉच्ड अ लॉट ऑफ मूवीज हियर. पूरा मजा आ जाता मूवी देखने में इतना बड़ा स्क्रीन में. आजकल तो यार टाइम नहीं होता है. सो इसको भी इट्स ऑल्सो अप फॉर सेल.